निर्मल और सुशीला का लिट्टी चोखा शहर में बहुत फेमस था। निर्मल बहुत ही उम्रदराज था और 25 साल से वो एक ही जगह पर लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसी के साथ ढाबे पर मदद करती थी। सुनते हो, आपने पिछले महीने का हिसाब मुझे ठीक से नहीं दिया है। 1000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ भैया, बोलिए क्या दूँ? अरे चचा, 10 लिट्टी पैक कर दो। सुशीला, 10 लिट्टी पैक कर देना और घी वाली देना। अरे चाचा जी, वो आपकी पत्नी है, ये दुकान आप और आपकी पत्नी ही चलाते हैं। हाँ बेटा। अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं रख लेते? अरे बेटा, बरसों से हम दोनों ही चला रहे हैं, हमें इस दुकान से बहुत प्यार है। आज तक किसी की मदद नहीं ली, हम दोनों ही इस ढाबे के लिए काफी हैं। और अच्छी बात है, आप दोनों का प्यार बहुतों के लिए प्रेरणादायक है। वो आदमी मीडिया से होता है, वो निर्मल और सुशीला की कहानी अपने न्यूज चैनल पर जीवन की कहानी सेक्शन में चलाता है। निर्मल और सुशीला को लोग बहुत पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिट्टी चोखा के ढाबे पर जाते भी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। सुशीला, क्या तुमने देखा लोग हमें कितना प्यार दिखा रहे हैं? हम दोनों इतने साल से साथ हैं, ये लोगों को बहुत प्रेरणादायक लग रहा है। अच्छी बात है, आशा है हम लोगों को जीवन में अच्छी बातें सिखा पाए। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिली। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही वापस आऊंगी और फिर आपके मनपसंद दही बड़े बनाऊंगी। ठीक है जाओ, तब तक मैं ढाबा खोलता हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सुशीला मंदिर की ओर चल देती है, निर्मल अपना ढाबा खोलने लगता है। दोपहर हो जाती है पर सुशीला वापस नहीं आती। निर्मल को चिंता होने लगती है। बहुत देर हो गई, अब तक तो सुशीला को कृष्ण भगवान के मंदिर से वापस आ जाना चाहिए था, ना जाने कहां रह गई, किसी से पूछता हूँ। निर्मल इधर उधर जाकर दुकान वालों से सुशीला के बारे में पूछता है। किसी को भी सुशीला के बारे में पता नहीं होता। अब तो रात हो गई, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बहुत चिंतित होकर पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ उसी के मोहल्ले वाला लड़का था। निर्मल अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत चिंता में लग रहे हो। बेटा, सुशीला आंटी सुबह ही कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए निकली थी पर अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हीं के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ, इतनी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। निर्मल और ऋषभ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। निर्मल वहां अपनी कंप्लेंट लिखवाता है। आपकी पत्नी की क्या उम्र थी? वो किस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी? जी, उम्र कुछ 60 के लगभग थी और वो पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। तभी पुलिस वाला अपने ड्रॉअर से निकालकर एक फोटो निर्मल को दिखाता है। क्या यही आपकी पत्नी है? जी हाँ, यही है, पर इसकी फोटो आपके पास कैसे आई? निर्मल और ऋषभ बहुत घबरा जाते हैं। अजी, आज सुबह इनका कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका पता ढूंढने की कोशिश करी, हमें शुरू में कुछ पता ही नहीं चला, फिर बाद में पता चला कि ये निर्मल लिट्टी चोखा वाले की बीवी है। हमने कुछ लोग आपके घर भेजे थे पर आप वहां मिले ही नहीं। मैं इसे खोजने बाहर निकला था, फोन भी घर पर भूल गया था। साहब, सुशीला ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखिए साहब, मुझे ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई।
ये सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है, पर ऋषभ उसे संभाल लेता है। अरे अरे निर्मल अंकल, खुद को संभालिए। बेटा सुशील, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? सुशीला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती? मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? निर्मल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से एक जगह बिठाता है। उसके बाद वो पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाता है और निर्मल को भी घर लेकर जाता है और सुशीला का अंतिम संस्कार का भी सारा जिम्मा उठाता है। एक महीना बीत जाता है। निर्मल अपने ढाबे पर अकेला बैठा होता है। अंकल, अब आप कैसे हो? आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा बेटा, मेरे पास इस दुनिया में अब बचा ही क्या है। मैं तो अब ये दुकान भी बेच दूंगा। इस दुकान पर बैठने से मुझे सुशीला की बहुत ज्यादा याद आती है। अब तो बस अकेले मौत के आने का इंतजार करूंगा ताकि मैं भी जल्दी सुशीला के पास पहुंच जाऊं। इतना कहते ही निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ उसके पास बैठता है और कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों कहते हो? ये लिट्टी चोखा ढाबा तो हमारे मोहल्ले की शान है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इसे मत बेचो। मैं हूँ ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अपने माता पिता समान मानता हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद ऋषभ निर्मल की दुकान में रोजाना मदद करने के लिए जाता है। ऋषभ धीरे धीरे निर्मल को रिकवर करने में मदद करता है। चाचा जी आप चिंता मत करो, आपका ये ढाबा हमेशा चलता रहेगा। सारी दुनिया आपके और सुशीला आंटी के प्यार को याद रखेगी। आपका प्यार अमर रहेगा, आपसे ये मेरा वादा है। ऋषभ बेटा, सुशीला के बाद तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इस दुनिया में अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषभ और निर्मल मिलकर ढाबे को चलाते हैं। 4 साल बाद निर्मल की भी मृत्यु हो जाती है। तब ऋषभ उस ढाबे को अकेले चलाता है और निर्मल और सुशीला की कहानी सबको बताता है और कहता है कि ये ढाबा उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है। निर्मल और सुशीला का ढाबा बहुत तरक्की करता है और पूरे देश में फेमस हो जाता है।